हाँ टीटी सर अभी बाहर है तो मुझे मुझे फिलहाल कोई टेंशन, केयरफुल ना, ऑल ओके सर, यप ऑल गुड ऑल गुड। अब प्लान चेंज करेंगे, मैं प्रिंसटन नहीं जाने वाला, अब मैं जाऊंगा ट्रेंटन, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 125 किलोमीटर पर आवर। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज 14th जुलाई, न्यूयॉर्क में मान लीजिए सुबह के 11:30 और इंडिया में हो रहे हैं शाम के करीब 9। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, ये देखो पेन स्टेशन आप देख सकते हो, उसके बाहर से ये वाले ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रहा हूं और यहीं पर अगर आप बाजू में अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो मेडिसन स्क्वायर गार्डन। जहां तक मेरा अंदाज़ा है जो हाउडी ट्रंप इवेंट हुआ था वो यही हुआ था। अब आपके सामने एक और एक्सक्लूसिव अमेरिका से ट्रेन जर्नी, हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क द बिग एप्पल से, आज हम चले टू न्यू जर्सी। डिस्टेंस आप मान लीजिएगा अराउंड हम कवर करेंगे कुछ 100 किलोमीटर्स, आप मान लीजिए टाइम लगेगा 1.5 से 2 घंटे। मैंने सोचा था देखिए यार आपको इंडियन रेलवेज की तो इतनी ट्रेन जर्नी दिखाई, चलिए आपको एक ट्रेन जर्नी और दिखाते हैं। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लॉन्ग जर्नीज भी आपके सामने आएंगी, अभी सिर्फ टूर की शुरुआत हुई है। और कुछ लोगों के सवाल आए थे कि भाई सौम्या को साथ क्यों नहीं लाए, थोड़ा सा रुकिए, सौम्या भी आने वाली है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, शुरू करें। आपके सामने यार ट्रेन जर्नी ऐसे नहीं, कमॉन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए, मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इन ज़बरदस्त नज़ारों के साथ। आप जितना देखो उतना कम। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। भाई साहब स्टेशन का आप एक्सटीरियर देखो, मतलब इंटीरियर तो खैर मैं आपको दिखाऊंगा, एक भी हॉन्किंग नहीं है, मतलब क्या ही बोले, हॉर्न की तो यहाँ आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। शुरू करें, ज़बरदस्त यार। यहाँ ये आपको नज़ारा दिखाया, ये पेन स्टेशन की ये मेन एंट्री है, देखो NJ ट्रांजिट, M ट्रैक और ये LIRR, ये तीन ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं। जहाँ तक है देखो मेरा अंदाज़ा है दिस स्टेशन इज ओन्ड बाय M ट्रैक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ NJ ट्रांजिट, M ट्रैक भी इंतज़ार कीजिएगा, उसकी ट्रेन जर्नी भी आपके सामने आएगी। देखो ये जो आप रेड टी शर्ट में देख रहे हो ना, ये जगह जगह आपको मिलेंगे, ये आपको पहले दिखा दूँ। ये देखो न्यूयॉर्क का अगर आप ट्रैवल के लिए आ रहे हो, हॉप ऑन हॉप ऑफ का यहाँ पर ये ऑप्शन है, अलग अलग टूर हैं अलग अलग लोकेशन से, तो कोशिश कीजिएगा, मतलब किसी राइट बंदे को आप कॉन्टेक्ट कीजिए। कॉस्टिंग का जरा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये कॉस्टिंग आप पॉज करके देख लीजिएगा, ये अलग अलग टूर हैं, ये एंजॉय देखो ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास फिलहाल उतना टाइम नहीं है न्यूयॉर्क में, तो हॉप ऑन हॉप ऑफ मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये आपको जगह जगह मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिलेंगे, टाइम्स स्क्वायर पर मिलेंगे, तो मेक श्योर कि आप राइट बंदे को कॉन्टेक्ट कर रहे, राइट पैकेज ले रहे। चलिए अब थोड़ा सा अंदर जाके मैं ज़रा आपको खाली एक एंट्री का इंटीरियर और दिखा दूँ। ये देखो भाई साहब सच में, और बिल्कुल ये मानिए सबवे से कनेक्टेड, आप कहीं भी उतरिए, अगर आपको पेन स्टेशन आना है तो जो नियरेस्ट सबवे आपको मिलेगा 34 पेन स्टेशन, वो सबवे का है। ये देखो एंट्री करते ही लगता है ये रेलवे स्टेशन है। देखो ये भाई साहब ब्रांडेड स्टोर आपको मिलेंगे, ATM हो गए, क्या क्या ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ यार, जितनी बात करें जितनी तारीफ करें भाई साहब उतनी कम। और देखो पूरा स्टेशन आपको देखोगे एयर कंडीशन। देखो अब मेरे को शायद जहाँ तक है, देखो NJ ट्रांजिट मुझे जाना होगा इस साइड, यस NJ ट्रांजिट, NJ आप समझ गए ना, न्यू जर्सी। थोड़ा सा मैं आपको खाली टूर दिखा रहा हूँ स्टेशन का, बाकी देखिए परचेज टिकट्स वहाँ पर सब, अब मैंने टिकट अभी ली नहीं है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर ये स्क्रीन पर ये सब आता हुआ, ये देखो जो ट्रेन मैं लेने वाला हूँ वो ये रही 12:14 की ट्रेंटन SEC NEC 7841। अभी इन्होंने ट्रैक डाला नहीं है, ये 12:14 वाली वो मैं ट्रेन लेने वाला हूँ। और बिकॉज ये इतनी छोटी सी जर्नी है तो इसकी मैंने टिकट पहले ऑनलाइन बुकिंग की नहीं है, बाई चांस अगर आप प्लान बना रहे हो तो देखो आपको ये दिखा दूँ, ये यहाँ पर NJ ट्रांजिट के टिकट हो गए। मैनुअली टिकट अगर आप परचेस करना चाहें यहाँ पर आकर परचेस कर लीजिएगा, मैंने टिकट फ़िलहाल यहीं से परचेस की, आपको टिकट भी दिखाऊंगा। और देखो इस तरफ आपको ज़रा ये और दिखा दूँ, टिकटिंग मशीन्स जो ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन्स हैं वो देखिए, वो यहाँ पर आप टिकट खरीद सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा, आपके पास फॉरेक्स कार्ड, मतलब 2 दिन हो चुके हैं मैंने कैश तो यहाँ पर यूज़ ही नहीं किया, USD सिर्फ फॉरेक्स कार्ड रखिए और कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट, बस आपका काम हो जाएगा। देखो ये पूरा मशीन वेंडिंग मशीन है,
NJ ट्रांजिट की आप जो भी टिकट लेना चाहें यहाँ से आपको बता दो। ये देखो, ये पूरा आप देखो भाई, सिस्टम जो यहाँ बना रखा है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली पढ़ते जाइए और जो जो काम लिखे हैं वो करते जाइए। हम जा रहे हैं NEC, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। ज़रा NJ ट्रांजिट का आपको ये और दिखाऊँ, देखो यहाँ पर ये यह, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये अलग अलग रूट हैं। देखो मैं जा रहा हूँ इस पर नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर और मैं ट्रैवल करने वाला हूँ प्रिंसटन जंक्शन तक। ये सिर्फ न्यू जर्सी ऐसे ही प्लान बनाया, बहुत रैंडम प्रोग्राम। ये देखो ये सब इनके अलग अलग रूट हैं NJ ट्रांजिट के, अगर आप देखोगे ठीक है। तो जिस भी रूट पर आप ट्रैवल करना चाहें, वेटिंग एरिया मेरे हिसाब से ट्रैक नंबर 1 to 21, आई गेस वेटिंग पूरा इस साइड है। देखो भाई हर चीज़ डिटेल में यहाँ पर मेंशन कर रखी है, बट थोड़ा लोगों से केयरफुल रहिएगा, आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। और एक और सेफ्टी टिप आपको मैं बता दूँ, इनकेस अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान पूछे ना, मतलब कहाँ रह रहे हो या अगले 5 दिन में कहाँ जाने वाले हो, कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करोगे, भाई किसी को मत बताइएगा, कितना भी भरोसेमंद आदमी हो, बिकॉज यहाँ लिटरली मैं वो फील कर पा रहा हूँ, कोई कहीं पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, किसी के अलग नशे चल रहे हैं थोड़ा सा, बिकॉज न्यूयॉर्क है ना, थोड़ा सा आपको उस तरफ से केयरफुल रहना है, बाकी सब तो खैर आपके सामने यहाँ है। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखा दूँ, अब मैंने ये टिकट ले लिया, दिस इज़ वन वे PRJCT, अगर आप देखोगे प्रिंसटन जंक्शन, और इसका मैंने कॉस्ट कितना दिया है वन वे का, $18.40। अब आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, हिसाब किताब आप लगा लीजिएगा। देखो यहाँ पर सिस्टम देखो, ये पूरा इनका यहाँ पर वेटिंग एरिया है, ट्रैक 1 से लेके आई गेस ट्रैक 12 तक यहाँ पर इनका ये पूरा वेटिंग एरिया है। तो अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ ना, ये देखो ट्रैक 1, ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये प्लेटफॉर्म के लिए दरवाज़ा बंद कर रखा है। भाई साहब दरवाज़ा तो ऐसा लगा रखा है, पता नहीं गेट देखो आप, गेट तो ऐसा लगा रखा है, पता नहीं पीछे कितने खजाना रखा हुआ है। तो ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 2 आप देखो, ये ऐसी ट्रैक 3, ये सब अलग अलग ट्रैक है। यहाँ पर स्क्रीन है, अब ये बताएंगे कि 12-14 वाली जो ट्रेन जाएगी 7841 कौन से ट्रैक पर जाएगी, जो 11-14 वाली गई वो ट्रैक 1 से ही गई, तो मोस्टली चांसेस है कि हम यहीं से जाएंगे। और सबसे अच्छी बात देखो, अगर आप देखो एक्सपायरी इन्होंने डाली है 8/12 तक, तो ऐसा नहीं कि मुझे आज या कल यूज़ करना है, अगर मैं चाहूँ तो 8 December तक ये वाली मैं टिकट यूज़ कर सकता हूँ। इंस्टेंट आप टिकट बाय कर सकते हो, कोई भी यहाँ पहले से बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं। देखो सब लोग अपनी ट्रेन के हिसाब से जैसा जैसा है सब यहाँ पर वेटिंग है, अब स्क्रीन पर वो लगाते जाएंगे तो ये लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर यहाँ से जाते जाएंगे। अगेन आप देखिए सब यहाँ पर भाई सिस्टम वाइज जो काम चल रहा है ना, देखो सब यहाँ पर अपने मोबाइल में बिजी, बट सच में इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब तक आपके सामने इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन जर्नीज, अब मैं आपके लिए बैक टू बैक लेकर आऊँगा US से ट्रेन जर्नीज। 12:14 का डिपार्चर है और इन्होंने 12:02 पे लगाई है कि ट्रेन डिपार्चर होगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। आई गेस मेरी जो ये वाली ट्रेन है यही होनी चाहिए। पेन स्टेशन का आपको बता दूँ, जिसको कहा जाता है पेंसिल्वेनिया स्टेशन, और ट्रेन जा रही है न्यू जर्सी की कैपिटल, दैट इज़ ट्रेंटन, S7561। थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, नहीं ये 6918 है, ये तो डबल डेकर है भाई, अभी ध्यान गया, आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये होना चाहिए, मेरी ये वाली है भाई। सब कुछ नया है, सब कुछ समझना पड़ेगा। ट्रेन नंबर थी ना 7841, हाँ यही है ट्रेंटन, ये देखो। तो न्यू जर्सी हो गया स्टेट और कैपिटल हो गई ट्रेंटन, ये ट्रेन वहाँ तक जा रही है 1.5 घंटे की। अब प्लान चेंज करेंगे, मैं प्रिंसटन नहीं जाने वाला, अब मैं जाऊँगा ट्रेंटन, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। देखो ये आप ट्रेन देख लीजिएगा, ये इनकी ट्रेन की, यार ट्रेन की कंडीशन तो ठीक नहीं लग रही। आगे की तरफ चलेंगे दोस्त, मज़ा आगे की तरफ आएगा, पर डबल डेकर आप देखो यार, क्या बात है, दिल जीत लिया भाई साहब। NJ ट्रांजिट अगले 10 मिनट में डिपार्चर, और ऑफिशियल स्टॉप्स आई गेस कुछ 10 या 12 हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, रुकिएगा। पर ट्रेन तो अच्छी लग रही है यार, इंटीरियर भी आपको दिखाना है, मज़ा आएगा दोस्त। यस सब कुछ सीखना पड़ेगा, न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी, कोशिश करने दीजिए अगर इंटीरियर दिखा पाऊँ। भाई साहब प्लेटफॉर्म लगाया और लोग टूट पड़े, भाई साहब लोग क्या टूटे हैं, देखो ये सीट आप देख लीजिएगा, इसका दिखा दूँ, ये ऊपर लगेज का हो गया, मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन 3x2 का कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ दे रखा है। टोटल कैपेसिटी कुछ नहीं है, ना सीट वाइज है, जस्ट ना सीट वाइज है, ना नंबर वाइज है, जहाँ मन करे भाई साहब वहाँ बैठ जाइए, और वही है सब अपनी अपनी विंडो सीट लेंगे। यस यहाँ देखते हैं अगर ये सीट बचेगी, ठीक है। तो ये पूरा आपको इंटीरियर
ये पूरा आपको इंटीरियर देख लीजिएगा। इस तरफ थोड़ा सा आगे और जाएंगे भाई, बैठना किसको है। यस, ये पूरा इंटीरियर। यार वॉशरूम वगैरह है क्या? देखना पड़ेगा दोस्त, लग नहीं रहा इसमें वॉशरूम है ना। प्रायोरिटी सीटिंग वगैरह हो गया, ये देखो पूरा कोच ऐसा। यहाँ टाइम नहीं मिलने वाला, बट यार मुझे इस डबल डेकर में ट्रैवल करना है यार। ये जा रही है 6923 लास्ट कॉल। ये जा रही है टू डोवर। अब जिसको पता हो भाई, मुझे फिलहाल उतना आइडिया नहीं है, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए लास्ट 2 मिनट्स भाई अंदर ही रहेंगे, यहाँ मौका कुछ नहीं मिलने वाला। एक तो स्टाफ इतना अच्छा है ना, दे गाइड यू प्रॉपरली, सब बता देते हैं। ट्रेन तो आप देख लीजिएगा, बट भाई ये ट्रेन की कंडीशन बहुत बेकार है। यहाँ तो इसकी साफ सफाई नहीं करी है इन लोगों ने, ट्रेन की कंडीशन बहुत खराब है भाई। अंदर आ जाओ, अब रिस्की है, जस्ट लास्ट 2 मिनट्स, अब रिस्की है बाहर रहना। 12:15 sharp और ट्रेन डिपार्चर के लिए तैयार। आगे के कोच पूरी तरह से फुल हैं, मैं फ़िलहाल पीछे की तरफ आया हूँ। देखो यहाँ फ़िलहाल कुछ सीट्स खाली है अगर आप देखोगे। और हमारे संग एक और पैसेंजर मिल गए हैं, जो भैया बेंगलोर से हैं। सब ठीक है ना भैया? बढ़िया। पीछे तब भी एसी चल रहा है, आगे तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है। हाँ गर्मी की थी, बट यार ट्रेन मैंने कुछ अलग ही सोचा था भाई साहब। ये ट्रेन की कंडीशन पता नहीं, भगवान ही जाने। देखो अब शायद बाहर का दिखेगा नहीं, इस डिपार्चर यहाँ से आप देख लीजिए, और कोड हो गया स्टेशन का NYP। और आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं। देखो यहाँ पर आप टिकट चेक कराते हुए इसका भी ध्यान रखिए पूरा। मेरे को लग रहा है ये भी पूरा, देखो आप अंडरग्राउंड ऐसा लग रहा है। देखो आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट भाई साहब, मज़ा आ रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो देखिएगा 25 घंटे की जर्नी मैं करने वाला हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट, लाइक करते जाइए और कंटेंट शेयर करते जाइए जितना हो सके। ये खाली है, चलो यहाँ बैठेंगे भैया। यार लिटरली गेट उन्होंने अनाउंस किया, लोग ऐसे भागे पता नहीं। मतलब यार $18 में और क्या चाहिए। करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 125 किलोमीटर पर आवर। देखो बिल्कुल भैया लास्ट वाले कोच में बैठा हूँ, यहाँ से आप नज़ारे आप देख लीजिएगा। और देखो इस तरफ भी आपको दिखा, ये हुई ना कुछ बात। अमेरिका में अब ट्रेन जर्नी चल रही है, TT से बात की है भैया, वॉशरूम भी ऑन बोर्ड है। उनसे मैंने पूछा कि भैया ट्रेन की हालत इतनी ख़राब क्यों है, तो वो कह रहे हैं जो है वो है, बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेन है तो लोग ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं। भाई मेरे को लग रहा है Amtrak में ही जाना पड़ेगा, वहाँ शायद कुछ अच्छा मिले। और खाना पीना मतलब डाइनिंग कोच भी ऑन बोर्ड नहीं है। 1.5 घंटे की ट्रेन जर्नी है, ठीक है यार, अब खाना पीना वहाँ जाकर देखेंगे। देखो ट्रैक्स आपको दिखा दूँ, कितनी ट्रैक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। मेरे हिसाब शायद हमने लाइन चेंज कर दी। अभी रियलाइज़ हुआ है कि भाई साहब न्यू जर्सी की हम कैपिटल जा रहे हैं ट्रेंटन की। देखो ये कार्गो का भी आप देख लीजिए। कोशिश पूरी है बट आराम हो गया। देखो टिकट दिखाइए, ये कुछ देखो यहाँ लगा गए, ये ऐसा वो कह रहे थे ये हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये सीट अब ऑक्यूपाई हो चुकी है। ठीक है यार, मतलब पहली ट्रेन जर्नी 1.5-2 घंटे की, आई गेस आया कोई स्टेशन आया। देखो स्टेशन पे भैया नहीं उतरेंगे, मुश्किल से 1 मिनट का हॉल्ट है कोई स्टेशन है। अगर आपको दिखाऊँ देखो ट्रेन इन्होंने स्लो कर दी वापस। देखो अब ये एक और स्टेशन आया है एलिजाबेथ, इससे पहले आया था नॉर्थ एलिजाबेथ। देखो दिस इज़ एलिजाबेथ। अब जो हमारी ट्रेन का रूट है आपको अब मैं ये दिखाऊँ, ये एलिजाबेथ आया 1244, इसके बाद लंदन, फिर ये सब स्टॉप्स हैं पूरे। और आप देख लीजिएगा ट्रेंटन ये पहुँचेगी कुछ 149। देखो बाजू से कोई ट्रेन पास कराइए। देखो भाई साहब ये देखो यार ग्लासेस भी ट्रेन के क्लीन नहीं है, क्या बोलूँ, ग्लासेस भी क्लीन नहीं है। हार्डली 1 या 2 मिनट का स्टॉप, तो भाई उतरना बहुत रिस्की है यहाँ पर पूरा। आप देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था ट्रेंटन हम पहुँचेंगे कुछ 149, 12:14 को हम चले हैं। यहाँ से आप देख लीजिए लगभग वही 1.5 से 2 घंटे की जर्नी है जो हम जा रहे हैं 7841 की। आप देखते हैं अब वो ट्रेन क्रॉस हुई है, मे बी 2-3 मिनट तो यहाँ रुकने वाली है गाड़ी शायद।
हमारी जर्नी का एक और स्टेशन, दिस इज मेट्रो पार्क, कोड हो गया MET, ओन्ड बाय NJ ट्रांजिट। वीक डे पर करीब कितने 10,000 पैसेंजर्स आते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। हाँ, TT सर अभी बाहर है तो मुझे फिलहाल कोई टेंशन, केयरफुल ना, ऑल ओके सर, यप, ऑल गुड। थोड़ा आपको स्टेशन दिखा दूँ, दिस इज मेट्रो पार्क और अब हम न्यू जर्सी में। क्या नज़ारे देखो, बिल्कुल बाजू से हाईवे, ट्रैक 4। भाई जिसको लोकली आइडिया हो ज़रा बता दीजिएगा। देखो हमारे संग TT सर बिल्कुल लास्ट कोच में है, द ग्रेट सीन, जिसको बिल्ड किया गया था आई गेस 1971 में, फिर वापस इसको रीबिल्ड किया गया। मेट्रो पार्क, काश यार थोड़ा टाइम होता ना आपको दिखाता। अभी तो खैर सब TT बाहर है, कोई भी टेंशन नहीं है, घूम लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए। आई गेस पीछे से M-Track की, भाई साहब जब बाजू से ट्रेन क्रॉस होती है ना, यस गुड टू गो। M-Track की जब ट्रेन क्रॉस होती है अलग ही मज़ा आता है। देखो अब इन्होंने बोल दिया अंदर हो जाइए, यस कभी भी ये लोग बंद करेंगे। अरे यार मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में। दो ही प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, एक उस साइड हो गया और एक देखो एक इस साइड। अब पीछे से शायद एक मेंटेनेंस कार और पास होने वाली है, यहाँ पर आपको दे रहे हो भाई। शुरुआत अच्छी हुई है यही कहूँगा, बिल्कुल आप भी समझिए, नया देश है नई। यस ये आई, देखो आपसे कह रहा था ना ये आई, शायद ये भी M-Track, यस ये भी M-Track की मेंटेनेंस कोच, पैरेलल रन, ये हुई ना कुछ बात, बिल्कुल नया देश है नई कंट्री है। समझेंगे आपके लिए बैक टू बैक कंटेंट लाएंगे। चलिए लुक देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा कोई सबवे गेम का सीन देख रहा। मूड था ट्रेंटन जाने का बट अब प्लान चेंज हो गया, मैं उतर चुका हूँ। आप देख लो जो मैंने टिकट ली थी प्रिंसटन जंक्शन, आपको पता ही होगा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बारे में, बिल्कुल ऑन टाइम। वहाँ वेदर देखिए, अब यहाँ हल्की हल्की बारिश होती हुई। पहले एक बार ट्रेन डिपार्ट हो जाए फिर बात करेंगे न्यू जर्सी के बारे में, जिसे कहा जाता है द गार्डन स्टेट, एरिया वाइज आई गेस 5th नंबर का। और अगर आप साउथ की तरफ देखोगे आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, आई गेस यस, सिग्नल ऑलरेडी दे दिया गया है। देखो ट्रेन की आप अगर दूर से हालत देखो 6056, कैमरे पे शायद आपको ऐसा लग रहा हो बट भाई सच में ट्रेन की हालत यहाँ कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यस गेट बंद कर देंगे, चलिए ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होती हुई देख लीजिए। और यहाँ पर भी आपको मिलेंगे दो ही प्लेटफॉर्म, आप देख सकते हो बारिश में देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर मौसम लगता हुआ। आपको सच बता रहा हूँ मेरा कोई मन नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बस मूड बना और मैं उठ के आ गया। अब जो न्यू जर्सी से होंगे कहेंगे एक्सप्लोर करेंगे, चिंता मत कीजिए मैं फिर आऊँगा। अभी तो यार मेरे को पूरा US घूमना है, धीरे धीरे थोड़ा टाइम दीजिए। कितना ज़बरदस्त देखो, और बारिश की वजह से स्टेशन ये कितना सही लग रहा है। दोपहर के इट इज़ 1:30, मैंने सोचा स्टेशन के बाहर का आपको नज़ारा और दिखाएं। प्रिंसटन जंक्शन स्टेशन आप देख लो, अब लगी है भूख, पर यहाँ कुछ ऐसा दुकान वगैरह कुछ स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर जैसा मिलता है यहाँ तो कुछ ऐसा भाई नज़र ही नहीं आ रहा। चारों तरफ खाली गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, भाई ये क्या सीन है ज़रा कोई कमेंट करके बताइएगा। न्यू जर्सी का आपको बता दूँ, US का मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। अगर आपको पता है US में कितने स्टेट्स हैं ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। फिलहाल ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आपको जैसा मैं फिर बोल दूं, सिर्फ मेरा मूड हो गया और मैं आ गया हूँ, बस कोई न्यू जर्सी का मेरा कोई प्लान नहीं था। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। अब वापस मैं यहाँ से वाली ट्रेन लेके जाऊँगा वापस न्यूयॉर्क। $19 आना, $19 जाना और $5-10 खाना पीना, आप लगा लीजिए कितना हिसाब का था जो खर्चा हुआ। बट आप देखो यहाँ पर जो वेदर है ना न्यू जर्सी में, आप देखिए मज़ा आ गया भाई साहब, ठीक है ना। फिर आऊँगा न्यू जर्सी, चिंता मत कीजिए, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। साफ सफाई के बारे में तो खैर क्या ही बोले, ठीक है, टाटा टेक केयर। मैं भी ट्रेन यहाँ से हर 10 से 15 मिनट में बताया गया, अब वापस जाएंगे न्यूयॉर्क और आपके सामने लेकर आएंगे बैक टू बैक व्लॉग्स। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, US से जितने व्लॉग्स आप देखना चाहें। बट यार ये समझ नहीं आ रहा, ये स्टेशन के बाहर ये इतनी पार्किंग, यहाँ देखना इतना दो ही प्लेटफॉर्म है, इतना छोटा स्टेशन, और देखो गाड़ियाँ, देखो चारों तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी, ठीक है, टाटा।